दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू। हमारे घर में सिर्फ दाल रोटी बनेगी, आमलेट मत बनाना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। हमारे घर में लहसुन प्याज बैंगन कटहल अंडा नहीं आता है। रसोई घर में तुम बिना नहाए प्रवेश नहीं करोगी। किसी भी चीज को झूठे हाथों से सुना नहीं है। सासू जी ने नई नवेली दुल्हन सुहाना को समझाते हुए कहा, जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में नंगे पैर सुहाना खड़ी थी। कहने को रसोई काफी बड़ी थी, खुली हवादार, पर थोड़े पुराने तरह की थी। मॉडर्न रसोई के नाम पर यहाँ सिर्फ रसोई गैस ही था। रसोई के सामने खुला शौक था, जहाँ बर्तन धोने की जगह थी। सुहाना की लव कम अरेंज मैरिज थी। सुहाना कायस्थ परिवार से थी, जिनकी रसोई में लहसुन प्याज रसोई की जान थे। उसके मायके में लहसुन प्याज और यहाँ तक के अंडा भी खाते थे। बड़ी मुश्किल से सास ससुर ने उसे कई शर्तों के साथ स्वीकार किया था। देख समीर, बहु दूसरे जाति की है, इसे घर के तौर तरीके सिखाने पड़ेंगे। हमने तेरी बात मानी है, अब तुझे भी हमारी बात माननी पड़ेगी। मेरी रसोई में मैं कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। सासू जी ने अपने बेटे समीर से कहा। समीर के पास अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं था। उसे पता था कि सुहाना को लहसुन प्याज की ग्रेवी वाला पनीर, लहसुन प्याज टमाटर का बैंगन का भरता और आमलेट बहुत पसंद है, पर माँ की सख्त हिदायत के आगे वह मजबूर था। समीर भी हॉस्टल में रहकर लहसुन प्याज अंडा शौक से खाने लगा था, पर ये बात उसने अपने घर में नहीं बता रखी थी। सुहाना भी खुद को इस घर की एक अच्छी बहू साबित करना चाहती थी। सुहाना ने कोई जिद नहीं की। सुहाना के जेठ जेठानी इसी घर में ऊपर वाले भाग में रहते थे। उनकी रसोई ऊपर अलग थी। सासू जी ने सुहाना को बिना लहसुन प्याज के खाना बनाना सिखाया। हर छोटी से छोटी बात सिखाई, सिल बट्टे पर चटनी बनाना, हमाम दस्ते में मसाला कूटना, दही बिलोना, मक्खन निकालना, घी बनाना, यहाँ तक कि रसोई में एक मिट्टी का चूल्हा भी था। उस पर कंडे में बाटी बनाना, रोटियां बनाना भी सुहाना को सिखाया। सुहाना ने भी खुशी से और शौक से हर पारंपरिक तरीका सीखा। उस घर में हमेशा सुहाना रसोई घर में ही नजर आती
उसे लगता जैसे कि सासू जी की रसोई उसका दूसरा घर बन गया था। सासू जी सुहाना को अक्सर कहती कि मेरी रसोई है। तो कई बार सुहाना मन ही मन कहती, सासू जी आपकी रसोई है तो संभालो ना अपनी रसोई अपने आप। पर मुझे कोमल की जान को अकेला क्यों छोड़ दिया यहाँ? जरा सी कोई गलती होती तो अपना रसोई संविधान शुरू से अंत तक सासू जी बिना रुके सुना देती हो। अगली सुबह सुहाना नहा धोकर रसोई मैं आई तो उसे लगा आज अजीब सी शांति है। शौक में जाकर देखा तो राधा बर्तन मांज रही थी। बोली, बहू रानी, अम्मा और बाबूजी पड़ोस के गांव में गए हैं, कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए अचानक जाना पड़ा। परसों तक आएंगे, आप ऊपर वाले कमरे में थी। अब अम्मा जी को ऊपर सीढ़ियां तो सड़ी जाती नहीं। उन्होंने आपको आवाज लगाई पर आपने शायद सुना नहीं। समीर भैया और आपका फोन साइलेंट पर था। आज वह बहुत नाराज हो रही थी। जाते जाते मुझे बोल कर गई है इसलिए आज मैं जल्दी आई हूँ। रेडियो की तरह नॉन स्टॉप बोल कर राधा अपने काम में व्यस्त हो गई। सुहाना ने जल्दी से अपना मोबाइल चेक किया, साइलेंट पर था। इतनी ठंड, सुबह 4 बजे रजाई ओढ़ के सो रही थी, कहां से आवाज सुनाई देती। सोच कर उसने खुद को बहलाया, कोई बात नहीं सुन लूंगी डांट। कौन सी नई बात है इस बात पर? नहीं तो कुछ और बात पर डांटेगी। डांटे बगैर तो उनका खाना थोड़े ही हजम होता है। अच्छा बहू रानी, मैं जा रही हूँ, कहकर राधा चली गई। सुहाना ने साय नाश्ता करा कर समीर को ऑफिस के लिए रवाना किया। फिर अदरक वाली गरम साय बनाई। सोसा आज ऊपर निशा भाभी जेठानी के पास जाती हूँ, उनसे तो मेरा अच्छे से मिलना ही नहीं होता। वह नीचे भी कम ही आती हैं, पीछे वाले रास्ते से बाहर निकल जाती हैं। ज्यादा बातचीत नहीं हुई, आज जाती हूँ। ऐसा सोचना सुहाना 2 कप चाय लेकर ऊपर पहुंची पर एक जानी पहचानी जायकेदार खुशबू ने उसको अलग सी दुनिया में पहुंचा दिया। अरे ये तो उसे अपनी नाक पर यकीन नहीं हुआ। घंटी बजाने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि जेठानी जी का 5 साल का बेटा बिट्टू दौड़ता हुआ बाहर आया। अरे सासी, आप मम्मा अंदर ही हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ। सुहाना अंदर पहुंची तो देखा जेठानी जी की प्लेट में, अरे ये क्या आमलेट लेकर बैठी हैं? सुहाना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सेठानी जी एक बड़ा सा आमलेट का टुकड़ा
अपने मोह में डालने जा रही थी कि अचानक से सामने देवरानी को पाकर एकदम से घबरा गई। एक पल के लिए जेठानी निशा के साथ में आमलेट का टुकड़ा और उसका मुंह खुला रह गया और सुहाना अपने हाथ में साए पकड़े आश्चर्य से मुंह खोले खड़े थी। अरे सुहाना तुम, मैं वह, अरे वाह भाभी आमलेट बना है, मुझे तो बहुत पसंद है, क्या मैं ले सकती हूँ? सुहाना ने पूछा, क्या तुम भी खाती हो? निशा ने धीरे से पूछा। उसके बाद देवरानी जेठानी साई की सुसकियां लेते हुए गरम गरम आमलेट खाते हुए गप सप से करने लगी। दोस्तों ये कहानी अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस कहानी का अंतिम भाग देखने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम जल्दी से जल्दी इस कहानी का भाग अंतिम ला सकें।